आप सबको जय सु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम सब सच जानना चाहते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना जाने या समझे किसी भी चीज को स्वीकार कर ले। जैसे अगर कोई हमारे या हमारे परिवार के विरुद्ध इल्जाम लगाए तो सच जाने बिना यूं ही हम स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार सच साबित करने के लिए हमें सबूत या चिन्ह की आवश्यकता होती है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, फरीसी लोग यीशु के पास आकर उनका परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक चिन्ह मांगते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 38-42 में भी लिखा गया है, शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आकर कहते हैं, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। आज के सुसमाचार में जो संत मरकुस से लिया गया है, जब फरीसी लोग एक चिन्ह पूछते हैं, प्रभु यह कहते हुए नाव पर चढ़ जाते हैं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु के पास बहुत सारे लोग आते थे। सबों को प्रभु की आशीष प्राप्त हुआ, चंगाई प्राप्त हुआ, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिला। फरीसी लोग भी प्रभु के पास आए थे, लेकिन वे यीशु का परीक्षा लेने के लिए आए थे। यीशु जो चमत्कार कर रहे थे, उनके लिए स्वर्ग से एक चिन्ह मांगते हैं। ऐसे मनोभाव से हम ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते। विश्वास और उनके वचन के अनुसार जीने से ही हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं। चलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो और हमारे हर कदम प्रभु की इच्छा अनुसार हो। आमीन।